नमस्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। नहाने के बाद खुजली होना एक हैरान कर देने वाली बात है, मगर ये सच्चाई है, हम सब ने अनुभव की होगी। शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसे गर्म पानी से नहाने के बाद खुजली ना हुई हो। समस्या ठंडे पानी से नहाने के बाद भी नजर आती है। सवाल है, ऐसा क्यों होता है? इसकी कई वजहें मौजूद हैं, आइए जानते हैं। तो आपको बता दें, अगर आप हर महीने नहाने का साबुन बदलते हैं तो खारिश की समस्या से आप कभी निजात नहीं पा सकते। असल में कई लोगों को नहाने के तुरंत बाद इसलिए खुजली का एहसास होता है क्योंकि प्रयोग पसंद होने के चलते वो साबुन बदलते रहते हैं। इस आदत की वजह से त्वचा को काफी नुकसान पहुंचता है। साबुन बदलते रहने से अक्सर त्वचा में दाने, रैशेज आदि हो जाते हैं, जो कि खारिश की अहम वजह है। इसके अलावा नहाना शरीर के लिए अच्छा होता है, लेकिन गर्म पानी से नहाने के कारण त्वचा रूखी और बेजान हो जाती है। नतीजतन खुजली की समस्या जन्म ले लेती है। इसका मतलब यही है कि आप हर मौसम में ठंडे पानी से नहाएं, लेकिन हाँ, गर्म पानी से नहाने के तुरंत बाद हमेशा मॉइस्चराइजर या बॉडी लोशन जरूर लगाएं। असल में रूखी त्वचा के फटने से वो चोटिल हो सकती है, साथ ही कई अन्य समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। इसके अलावा खारे पानी से नहाने के तुरंत बाद भी खुजली की समस्या बनी रहती है। दरअसल खारा पानी शरीर के लिए कतई अच्छा नहीं है, बल्कि त्वचा रूखी हो सकती है। इसके अलावा अगर त्वचा को खारा पानी सूट ना करे तो रैशेज और दाने हो सकते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि खारे पानी से ना नहाएं। अगर आपके पास इसका ऑप्शन नहीं है तो विशेषज्ञों की राय के अनुसार त्वचा के लिए बेहतर क्रीम का इस्तेमाल करें। इसके अलावा आपको किसी केमिकल प्रोडक्ट से एलर्जी है तो भी आपको खारिश की समस्या हो सकती है। मसलन, अगर आपके साबुन या टॉवल में कोई केमिकल लगा है जो आपके शरीर को सूट नहीं करता हो सकता है कि हर बार नहाने के बाद आपको खुजली की समस्या हो सकती है। सो ये जानना जरूरी है कि आपको किसी रसायन विशेष से एलर्जी तो नहीं। उस केमिकल के बारे में जानें और उससे दूर रहने की कोशिश करें। इसके अलावा कुछ लोगों की आदत होती है कि नहाने के बाद अच्छी तरह से अपने शरीर को नहीं पोंछते। ऐसा करने से भी शरीर में खुजली की समस्या पैदा हो सकती है। दरअसल कई बार अच्छी तरह से ना नहाने से शरीर में साबुन का पानी रह जाता है, जो कि अच्छी तरह पोंछने से चला जाता है। अगर आप अच्छी तरह से शरीर नहीं पोंछते हैं तो भी शरीर में खुजली पैदा हो सकती है, और नहाने के बाद शरीर को पोंछे जरूर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।